हाय गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज मनोज सर, और इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज का जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज फंक्शंस हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके, उसका हम यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. और फोरियर सीरीज का आपको प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप नीचे जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप कंप्लीट फोरियर सीरीज के प्लेलिस्ट को आप वहाँ पे देख के पढ़ सकते हो. ठीक है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें. और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट से, अगर आप इस वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप अपने मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करिए और 5 दोस्तों को पकड़िए, उसके मोबाइल में यूट्यूब ऑन करिए, और उसमें भी है क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. प्लीज़ शो मी योर सपोर्ट. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ टी. यहाँ देखो क्या लिखा है, एफ ऑफ टी लिखा हुआ है. तो जहाँ जहाँ एक्स आने का था वहाँ पर हम क्या करेंगे, टी से उसको रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जब लिमिट हमारा -π से -π/2 है, उस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा. जब मेरा लिमिट -π/2 से +π/2 होगा, उस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा. और जब मेरा लिमिट π/2 से π रहेगा, उस केस में हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट क्या है, पाई है, और लोएस्ट लिमिट अपना क्या है, -π है. तो अगेन हमको यहाँ पे b - a क्या मिलेगा, π - π, दैट इज 2π. तो ऐसे केसेस में हमारा जो फोरियर सीरीज होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू a₀/(n=1)∞ (an)cos(nx) नहीं लिखा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, मैं cos(nt) लिखा हूँ. +(n=1)∞ (bn)sin(nt). sin(nx) की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे t लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या दिया है, फंक्शन t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है. एंड दिस इज सपोज टू बी माई इक्वेशन नंबर 1. अब मुझे करना क्या है, एक एक करके जो है सबको सॉल्व करना है. ठीक है जी, आपको दिख चुका होगा यहाँ पे a₀ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, a₀ इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/π इंटीग्रेशन a₀ to b f(t)dt होता है. अब यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लिमिट दी हुई है. तो यहाँ पे 1/π को बाहर निकाल दिए, -π से -π/2 केस में फंक्शन क्या था, यहाँ पे -1 था. तो -1 into dt हो गया, +(n)-π/2 से +π/2, यहाँ हमारा फंक्शन क्या है, 0. तो 0 into dt +(n)-π/2 से λ/2 से π, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, 1 है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 into dt आएगा. अब चूंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे आ जाओ, 1/π को एज इट इज रख दिए, ये -1 को एज इट इज रख दिए, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट, सॉरी, हाँ, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t हो जाएगा, क्योंकि हम इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट -π to π/2 हो जाएगा. वैसे यहाँ पे आ जाओ, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा अपना, ये t हो जाएगा. लिमिट गोस फ्रॉम π/2 से π. अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट अप करेंगे. तो 1/π एज इट इज हो गया, -1 को एज इट इज रख दिए, यहाँ पे अपर लिमिट रखो, दैट इज -π/2 -π, दैट इज +π. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपना क्या होगा, यहाँ पे -π/2 हो जाएगा, -π, दैट इज +π हो जाएगा. वैसे यहाँ पे आ जाओ, प्लस यहाँ पे क्या पाई आएगा, फिर -π/2 आएगा. अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1/π एज इट इज आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा. दैट इज +π - π/2, +π - π/2. देखो यहाँ पे ये इससे कैंसिल, यहाँ पे ये इससे कैंसिल, सब जो आपस में कैंसिल हो चुका है. तो वी आर लेफ्ट विद वॉट, a₀ इक्वल टू 0. यहाँ तक आई डोंट फील कि आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा. आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या निकालेंगे, an की वैल्यू को निकालेंगे. फाइन, an को निकालेंगे. तो an का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है, an = 1/π इंटीग्रेशन a₀ to b f(t)cos(nt)dt. तो यहाँ 1/π हो गया, यहाँ पे पुटअप करो, -π से -π/2, फंक्शन अपने क्या है, यहाँ पे -1 है, (cos(nt)dt, +(n)-π/2 से +π/2, 0 (cos(nt)dt. फिर यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, +(ln)-, लिमिट गोस फ्रॉम मतलब +π/2 से π, अपना फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, cos(nt)dt. यहाँ पे -1 था जब लिमिट हमारा यहाँ से यहाँ तक का है,
इसके लिए क्या होगा, अपना फंक्शन जीरो है और इसके लिए, इस लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या है, वन है। ओके, क्वेश्चन में सब मेंशनड है। ओके, आगे करना क्या है, इसको फिर अगेन जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम जीरो। तो मुझे करना क्या है, ये दो इंटीग्रेशन पे फोकस करना है और फिर लिमिट पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव को बाहर रख दिया, कॉस एन टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी अपना क्या होगा, ये साइन एन टी अपॉन में एन हो जाएगा, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू। वैसे यहाँ पे आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन टी विल बिकम साइन एन टी अपॉन में एन, लिमिट गोज फ्रॉम पाई बाय टू से लेके तक, लेके कहाँ तक का, पाई तक का हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे एन अपना क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दे, रेट इज वन अपन पाई एज इट इज है, ये रेट इज माइनस वन अपन एन, यहाँ नेगेटिव है या बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, ये माइनस वन अपन एन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब अपन अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पुट कर लो, दैट इज साइन एन ऑफ माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे हो गया, अपर लिमिट पॉजिटिव तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो लोअर लिमिट यहाँ पुट अप करो, दैट इज साइन माइनस ऑफ साइन एन ऑफ माइनस पाई, ये अपना हो गया। नाउ कमिंग टू सेकेंड टर्म, दैट इज साइन एन टी अपॉन एन, लिमिट गोज फ्रॉम पाई बाई टू से पाई, तो यहाँ पे अगेन देखो वन अपॉन एन को मैं बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन एन टी बचेगा, यहाँ पे अपर लिमिट पुट दैट इज साइन एन पाई, फिर लोअर लिमिट पुट यहाँ पे दैट इज माइनस ऑफ साइन एन पाई बाई टू, अपर लिमिट पॉजिटिव तो लोअर लिमिट अपना क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ओके, और साइन एन पाई, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा अपना क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये नेगेटिव जब बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, साइन एन पाई बचेगा, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ओके, तो इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, हमारे पास क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म बचा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जब नेगेटिव बाहर निकलेगा तो अपने ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए वन अपॉन एन साइन एन पाई बाई टू, ये अपना आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अपना क्या है, प्लस वन अपॉन एन है, और यहाँ पे अपना क्या है, माइनस साइन एन पाई बाई टू है, तो इसको से मल्टीप्लाई कर लो, नेगेटिव हो जाजाएगा, बाहर निकलेगा वन अपॉन पाई एज इट इज आएगा, हियर इट इज साइन एन पाई बाई टू, ये अपना हो गया। अगेन देखो ये पॉजिटिव टर्म है और ये अपना क्या है, उसी का नेगेटिव टर्म है, आपस में कैंसिल हो चुका है, तो वी आर गेटिंग ए एन इक्वल्स टू जीरो अगेन। ओके, आफ्टर फाइंडिंग ए नॉट ए एन, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी एन, तो बी एन की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन में पाई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी साइन एन टी डी टी। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, वेरियस वेरियस लिमिट्स पे फंक्शंस को पुट अप करेंगे, तो यहाँ वन अपॉन पाई हो गया, जब मैं लिमिट माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू था, फंक्शन अपना क्या था, माइनस वन था, इंटू साइन एन टी डी टी हो गया, प्लस जब मैं लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, उस केस में फंक्शन एफ ऑफ टी अपना क्या था, जीरो था, तो जीरो इंटू साइन एन टी डी टी प्लस समेशन ऑफ, देखो सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, जब मैं लिमिट पाई बाई टू से पाई था, उस वक्त मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी अपना क्या था, वन था, इंटू साइन एन टी डी टी हो गया। ओके, तो देखो अगेन ये दैट अपना क्या जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस जीरो। ओके, तो मुझे करना क्या है, ये दो को बस सॉल्व करना है। ओके फाइन, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेगेटिव देखो, वहाँ पे वन अपन पाई बाहर रख दिया, नेगेटिव को बाहर निकाल दिए, साइन एन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज माइनस ऑफ कॉस एन टी अपन एन। ओके, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, वैसे यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन टी डी टी अपना क्या होगा, माइनस कॉस एन टी अपन एन हो जाएगा, लिमिट गोज फ्रॉम पाई बाई टू से पाई। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, टेकिंग वन अपॉन पाई एज इट इज। ओके, ये अपना कॉमन है, यहाँ पे आ जाओ, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, अपर लिमिट यहाँ पुट अप किए, कहाँ बताओ, टी के जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे, यहाँ पे अपन एन हो गया, अपर लिमिट अपन पॉजिटिव तो लोअर लिमिट अपने क्या नेगेटिव हो जाएगा, लोअर लिमिट अपन यहाँ माइनस पाई पुट कर दिया, दैट इज कॉस ऑफ एन माइनस पाई, कॉस एन माइनस पाई अपन एन। ओके, यहाँ यहाँ पॉजिटिव हो चुका है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है, तो अपर लिमिट पॉजिटिव तो लोअर लिमिट अपना क्या नेगेटिव, अपर लिमिट माइनस पाई बाई टू है, इसको यहाँ रख दिए, लोअर लिमिट अपना क्या है, माइनस पाई, इसको अपन यहाँ रख दिए। ना कमिंग टू दिस पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, अपर लिमिट यहाँ पुट कर दिए, दैट इज कॉस एन पाई अपन एन। अब चूंकि अपना अपर लिमिट अपना पॉजिटिव नेगेटिव है, तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको रखिए, क्या बताओ, कॉस ऑफ एन पाई बाई टू अपन एन। ओके, अपर लिमिट नेगेटिव, लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा, पहले इसको यहाँ पे रख दिए, फिर इसको अपन यहाँ पे रखें। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यस देखो यहाँ पे अपना क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा अपने, देखो ये एज इट इज आएगा, वन अपन पाई, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, सभी देखो टर्म्स में क्या एन दिया है कि नहीं आपको, तो
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन को अपन कॉमन निकाल लेंगे। ओके, तो एन को अपन यहाँ पे कॉमन निकाल दिए, तो हमारे पास देखो यहाँ क्या बचेगा। वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये बाहर निकलेगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो ये अपना क्या होगा, कॉस ऑफ एन पाई बाय टू हो गया। ओके, वैसे देखो यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ एन पाई बाय टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव टर्म है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, ट्वाइस कॉस एन पाई बाय टू लिख दिया हूँ। ओके, हमारे पास जैसे कॉस एन पाई की वैल्यू है, दैट इज माइनस वन पावर एन, कॉस टू एन पाई की वैल्यू है। ओके, वैसे हमारे पास कॉस एन पाई बाय टू की वैल्यू नहीं है। ओके, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसी फॉर्म में रखेंगे। ओके, जिसका हमें वैल्यू पता है उसी को अपन यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जिसका नहीं पता उसको एज इट इज रहने देंगे। ओके, तो इसको मैं एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा अपना क्या, कॉस थीटा होता है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे देखो क्या नेगेटिव है, तो ये भी अपना तो क्या होगा, ये ट्वाइस हो गया। ओके, एन तो मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुका था। यहाँ पे देखो कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन पावर एन होता है, तो सिंस यहाँ पे दो सेम टर्म्स है विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ माइनस वन पावर एन हो गया। ये किसकी वैल्यू है, कॉस एन पाई की वैल्यू है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, कॉस एन पाई ही बन रहा है। ओके, क्योंकि नेगेटिव बाहर निकलेगा तो कॉस वाले केस में क्या होगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। अब देखो यहाँ पे सिंपली टू को अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो टू कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, टू अपॉन एन पाई कॉस एन पाई बाई टू माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन पॉन एन, ये हमारी क्या हो जाएगी, बी एन की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो सिंस वी हैव, देखो यहाँ पे अपने बी एन की वैल्यू ये हो गई, ए नॉट और ए एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जीरो थी, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन था, दैट इज फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ टी, वो अपना क्या हो जाएगा, ए नॉट वाला फॉर्म जीरो हो चुका है, ए एन जीरो हो चुका है, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बी एन बचा हुआ है। उसमें देखो क्या है, टू अपन पाई अपना क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकालिए, समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिख दिया यहाँ पे, बाकी यहाँ पे अपने पास क्या बचे, वन अपन एन बचेगा, उसको यहाँ लिख दिया, इस फॉर्म को अपन यहाँ पे लिख दिए, इंटू साइन एन टी। ओके, ठीक है, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या था, बी एन इंटू साइन एन टी था, तो ये पूरा पूरा अपना क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ के ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा बताओ, दिस इंटू दिस, ये दिस दिस इज माई वैल्यू ऑफ बी एन। ओके, एंड दिस इज दिस एफ ऑफ टी। ओके, दिस एफ ऑफ टी इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, थैंक यू।